अरे तो सब्सक्राइबर लोग खिलाए नहीं फ्रेंड्स, तो इतना सारा खिला दे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और हमारे नाश्ते का टाइम हो गया है, तो हम लोग अभी बैठे हैं नाश्ता करने। और नाश्ते में क्या है शालो? क्रीम पाव और टोस्ट और चाय पेंडिंग पे आ रही है, तो आ गई चाय। फातिमा आ जाओ चाय पियेंगे, मेरा बच्चा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ आओ जल्दी आओ। अरे वाह आ रही है, क्या बात है क्या बात है, आ जाओ आ जाओ चाय पियेंगे। नहीं चाय पियेंगे टिकी टिकी जिकी टिकी हाँ टिकी टिकी हाँ टिकी टिकी। अरे अब्बू का कैमरा कैमरा कैसे छीनते हो यार। तो भाई हमारा नाश्ता वगैरह सब करके हो गया था और मैं गया था वीडियो अपलोड करने के लिए, और वीडियो अपलोड करने के लिए इतना टाइम लग गया कि अभी हो गए हैं 12:15। तो अभी और मेरी फातिमा भी सो गई। आज है हमारी शादी की सालगिरह, तो आज कुछ स्पेशल बना रहे हैं मम्मी, क्या बोलते हैं? तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। गोश्त धो के अदरक लहसुन कांदा डाल के उबाल के रखी हूँ, उबालने रखी हूँ। 4 सीटी में उबल जाएंगे अच्छे से। डालने जा रही हूँ 2 चम्मच 12 चम्मच तेल। मैंने 4 पल्ली तेल ली पर 2 पल्ली मैंने तेल दी गई। तेल को गर्म होने दीजिए। जब तेल गर्म हो चुका है उसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन। तो अब मसाला डालने जा रही हूँ। मसाले को अच्छे से भूनने देंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे। बाद गोश्त का सिरवा डाल देंगे। अभी देखो गोश्त डाल चुका है गोश्त। दिख रहा दिख तो रहा है गला हुआ। मसाला बन जाएगा तो थोड़ी देर के बाद गोश्त अच्छे से डाल देंगे। अब देख रहे मसाला भूनने जाए, हाँ ऐसा लग तो रहा भूनने जा रहा। अब डालने जा रहे हैं गोश्त। तब गोश्त डाल दिए, उसको अच्छे से हलाएंगे। अब मैं मेरे हिसाब से पानी डालूंगी। तो आप लोग भी अपने हिसाब से ट्राई करके देखना कितना पानी डालने का कितना नहीं। हो गया सालन, देखने में तो अच्छा टेस्टी लग रहा है। तो हमारी सालेहा मैडम ने दिखाया है रेसिपी, तो मतलब उनको ना मतलब जमा नहीं दिखाने के लिए, तो अपने मतलब कोशिश किए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी अच्छी कोशिश करके सीखेंगे इंशाल्लाह। और अभी फातिमा को खाना खिला रहे थे लेकिन फातिमा तो खा ही नहीं खाना, तो उसके लिए अभी बना रहे हैं मसाला ओट्स बना रहे हैं। और देखिए फातिमा के इतने नखरे हैं ना खाना खाने में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो देखें कुछ इस तरह का, इस तरह से पूरा खाना, इसको जैसे ही मुंह में निवाला डाल रहे पूरा थूक दे रही है चावल और खा नहीं रही है। अभी से खाने पीने में इतने नखरे, तुम्हारे गंदी बच्ची पूरा फैला के रख दिए हो। तुम्हारे अब्बा आएंगे क्या साफ करने के लिए? अरे अब्बा तो ये कहाँ से आएंगे यार। चलो ठीक है, मेरे को है ना सालो, अम्मी आएंगे साफ करने के लिए। अम्मी जल्दी जल्दी साफ करो। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, अभी नमाज वगैरह पढ़ के खाना खाने बैठेंगे इंशाल्लाह। फिर टेस्ट करेंगे ये सालों के हाथ का। सालों तो नहीं बनाए, मम्मी ही बनाया, सिर्फ सालों मोबाइल लेके सिर्फ डायरेक्शन दे रहे थे। तो बस खाना खाने बैठेंगे फिर बताएंगे टेस्ट कैसा लग रहा है। अभी ये मतलब बनाने में ना हड़बड़ा जाते हैं, तो इस वजह से ये नहीं बना पाए। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो इसको खिला रहे हैं मसाला ओट्स और मैडम के नखरे देखो खाते खाते। फातिमा क्या मेरे बच्चे कुछ नहीं खाने का, तुम्हारे को क्या चाहिए बताओ, क्या खाएंगे तुम? यार बच्चे लोग के भी बचपन से कितने नखरे होते, ये नहीं खाने का वो नहीं खाने का, चटपटा चाहिए एकदम। अभी मैगी और ये सब लाके दो तो बराबर खाएंगे। और यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े, कल ही धोते थे कपड़े लेकिन कैसा पानी आ गया था, उसे भी टाइम हो गया, आज अभी धो रहे हैं। तो हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना खाके हो गया। खाना तो इतना एक नंबर खाना बना था, अम्मी बनाएंगे तो एक नंबर ही बनेगा ना भाई। फिर तो माँ के हाथ में जादू होता है। माँ के हाथ का तो माँ के हाथ का रहता जो कुछ। और सालों के हाथ का, औरत के हाथ का तो अच्छा ही नहीं लगता, माँ के हाथ का माँ के हाथ का रहता। घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा देख रहे। और बाहर की दाल भी मुर्गी के बराबर रहती, बाहर की दाल भी मुर्गी के बराबर रहती। कुछ भी सूट नहीं हो रहा है।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा खाना वगैरह सब हो गया था और अभी हो रहे हैं दोपहर के 4:30 बज रहे हैं। हम लोग बैठे थे ऐसे, हमारी मैडम तैयार हो गए एकदम मस्त माशाल्लाह, और फातिमा को भी तैयार कर दिए क्योंकि है आज हमारी शादी की सालगिरह है। हम लोग हमारी शादी को 2 साल पूरा कम्प्लीट हो गया, तो सालों कुछ बोलना चाहेंगे। हम लोग की शादी को 2 साल पूरा कम्प्लीट हो गया, बस पता ही नहीं चला कब 2 साल हो गए। बोलो बोलो बिंदा, टेंशन मत, तो डरो मत, तो बस दुआ करिए हम लोग अच्छे से रहे, बस मोहब्बत प्यार अच्छे सपोर्ट से रहे इंशाल्लाह। तो मुझे शौहर इतने अच्छे मिले, अल्लाह हर किसी का अच्छे शौहर दे, आमीन। सही में अच्छा हुआ। हाँ ओहो क्या बात है, मेरे शौहर मेरे सब लोग अच्छे परिवार वाले। ये कितना सता रही है यार, देखो इसको जरा, बस दुआ करें हमारे रिश्ते। और इंशाल्लाह शाम में ना हम लोग ज्यादा कुछ मतलब बड़ा प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो शाम में ऐसे छोटा मोटा केक लाके हम लोग न्याज वगैरह करके उसी को काटेंगे। हम लोग सिर्फ फैमिली ही साथ में रहेगी और किसी को मतलब वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है, और आप लोग भी दुआ कीजिए और ऐसे हम दोनों साथ, हम लोग का साथ रहे बस मोहब्बत। हाँ जिंदगी भाई इंशाल्लाह, अल्लाह ऐसे दिल में मोहब्बत पैदा करे। हाँ और परिवार वाले सबको 2 साल तो हो गए, और 2 साल में मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया आई है मेरे पास में, है ना मेरा प्यारा बच्चा। अरे रोती रो रही है, बहुत सता रही है, मेरी प्यारी सी गुड़िया है। अब दूसरा गुड़िया आया, गुड़िया पता नहीं आने वाला है वो भी इंशाल्लाह। आप उसके लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह, वो भी आसानी से आ जाए अल्लाह के करम से। और जिसको औलाद नहीं है अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत से, और जिसकी शादी नहीं हो रही है अल्लाह पाक उसका उसके लिए जल्द से जल्द कहीं ना कहीं से रिश्ता इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। तो इतनी बातचीत हो गई थी, थोड़ा हम लोग आराम कर रहे थे अभी, और अभी जस्ट उठे हैं और सालों जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। हाँ सालों चाय बनाने जा रहे हैं आप, चलिए ठीक है, आप जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, जल्दी जल्दी चाय बना लीजिए, एकदम अच्छी चाय बनाना, थोड़ी स्पेशल चाय बनाना, थोड़ा सी क्या बोलते हैं माइंड फ्रेश हो जाए एकदम, है ना। तो यहाँ पे शालो बना रहे चाय, फातिमा उठ गई है, बाप रे बाप, इसको चाहिए अभी क्या बॉटल, ले मेरा बच्चा, नहीं नहीं रोने का नहीं, रोने का नहीं, दे रहे तुम बॉटल, दे रहे तुम्हारी बॉटल ही भरी जा रही है, दे रहे दे रहे, नहीं रो नहीं रो नहीं रो मेरी जान, नहीं रो यार, आंसू निकल गए देखो, बाप रे मेरे बच्चे के, तो मच्छर काट लिए, ये रख दिए चाय बनाने, जब तो बना दिए शालो ने चाय, तुम डराती नहीं, ले 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 चल जादू नाटक कर, लो चलो तो जाल इसमें फ्रेंड चाय पीने के लिए। फ्रेंड लोग हम लोग का नाश्ता पानी हो चुका, तो मैं जा रही हूँ आपको कपड़े दिखाने, में सोची कल कपड़े बताओ पर मैं भूल गई बताने, अच्छा बता रही। तो किसने लाया कपड़ा? तो फातिमा की नानी ने लाया, माशाल्लाह। तो एक ही क्या, और है निकालो निकालो माशाल्लाह। तो एक माशाल्लाह, और ये देखो एक और दूसरा निकाल रहे हैं, और वहाँ पे भी जिद रखे हुए हैं, बताओ। ओ हो एक नंबर वाला, खोलो वाला, इसको साइड में रखो, ये इसका है माशाल्लाह। ओहो क्या बात है यार माशाल्लाह। तो आप लोगों को तीनों में से कौन सा अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताना, 1 2 3। और ये क्या है? ये मेरा बुरके की होगी। अरे माशाल्लाह क्या बात है यार, ये भी लेकर आया था मैंने, ओ हो हो एक नंबर, थैंक यू। तो ये ओढ़नी अभी फातिमा को बांध रहा है, अरे माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी है रे, ये देखो इसको, अरे फातिमा ओ हो हो कुछ भी नहीं चाहिए इसको, सो कुछ भी नहीं चाहिए, सब निकाल निकाल के फेंक डालती है, तो कैसा लगा जरूर बताना, ठीक। चलो जल्दी घड़ी मार के रख दो फिर। तो अभी मैं निकला हूँ केक लाने के लिए, और जहाँ से पिछली बार लेकर आया था वहीं पे जाके देखता हूँ दुकान है कि नहीं, तो पिछली बार वहाँ से गया था, अभी एक खाली रोड से जा रहा हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे दुकान थोड़ी दूर दूर है, मतलब जैसे मुंबई में है ना वैसे नहीं है, दूर दूर थोड़ा जाना पड़ता है, और मुंबई में एकदम मस्त रावत दुकान। तो आ गया था मैं केक की दुकान पर, और ये वाला ले लिया था। इतना घूमने के बाद एक दुकान मिली, उस पर भी मतलब नाम वगैरह कुछ भी टाइप था ही नहीं उनके पास, बोला चलो ठीक है ऐसे दे दो, चलो देखते हैं अभी शालो को पसंद आता है कि नहीं, मैंने तो ले लिया अपने हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जा रहा था इसी केक लेके, तो हमारे एक प्यारे अच्छे सब्सक्राइबर मिल गए, क्या बोलते भाई, क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान, हाँ उस दिन बताया था मैं आया था यहाँ से अपना क्या बोलते अपना बिरयानी लेने के लिए, तो उस दिन मुझे बताया थोड़ा ध्यान से निकल गया मेरा, तो सुफियान का सब बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है माशाल्लाह, अभी मिले मुझे, बोले बैठो चाय वगैरह लेकर आ रहे अभी, तो मैं ऐसे जा रहा था, बोले मतलब बुलाए मुझे,
अपने साथ की सेल्फी वगैरह भी ली, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह भाई। कुछ बोलना चाहेंगे? और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो, बोलो अपने सब्सक्राइबर लोग को, भाई को सपोर्ट करो। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो पूरी मार्केट भी मैंने दिखा दी, तो मार्केट में भाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है। बोलो अच्छी बात है। तो ये आ गई अच्छा है, तो मैं लेकर आ गया था केक घर पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा अपने सब्सक्राइबर से मिलके। बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। तो सबसे पहले फातिहा दिला देते, फिर उसके बाद ही काटेंगे केक। قل يا أنتم عبدون ما عبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الحمد لله ہمارا فاتحہ دلا کے ہو گیا کیک تیار ہو گیا ہے فاطمہ اے فاطمہ کیک پہ ٹوٹ پڑیں گے دیکھو باجو میں رکھا ہوا ہے چلو چلو آ جا جلدی آ جلدی آ جلدی ارے ابھی تمہارے برتھ ڈے کا کیک باقی ہے میرے بچے ارے اللہ گیا 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 گیا, گیا میرا بچہ بونی کر دی اس نے ارے یہ پھنس گیا نا اس میں فاطمہ बोनी कर डाली गया केक अल्लाह अपनी एनिवर्सरी तो उसी ने मना ली पहले हमरा बोल दिया उसके ऊपर तो चलो केक काटेंगे कहाँ छोरी एकदम सिंपल और सोबर तरीके से सिंपल और क्या बोलते सिंपल और सादे तरीके से सादे तरीके से केक कटा जा रहा है तो चलो बैठो अभी एक ही जैसा रखना फिर तुम उधर उधर हिलाएंगे ब्लर मारना पड़ेगा चलो ये वीडियो हैप्पी एनिवर्सरी शालो और केक ऐसा गिरा अबे निकल ही नहीं रहा यार निकालो नहीं हो रहा ना जरूर जरूर एक केक है क्या है यार पूरा पूरा मलाई निकल रही है चलो खिला तुम देख रही हो किसी चीज के लायक नहीं है ये हेलो तो हो गई भाई हमारी एनिवर्सरी भी जाओ अभी अम्मी को खिलाओ चलो अभी अम्मी को खिलाओ फटाफट हाँ जाओ ना हंस रहे क्या और फ्रेंड्स एक हंसी की बात बोलूं मैं केक लेकर आ रहा था ना तो केक मेरे हाथ से छूट के गिर गया ना तो चारों ओर से पूरी वाट लग गई माशाल्लाह तो चारों ओर से देखो कैसा ऐसे ही लेकर आ रहा था ऐसी गिरा धप दिन पूरी केक की एड़ भग गई ये हमला बोल रही है खाती तो है ही नहीं हेलो मुंह देखो अले बाप ले बाप ये फातिमा एनिवर्सरी का केक खा रही है मेरा बच्चा हेलो हेलो और खाओ चलो भाई बर्थडे भी मन गया हाँ और ऐसे ही बर्थडे ऐसे ही एनिवर्सरी मनाना चाहिए एकदम मतलब सादे तरीके से ना ढोल ना ये वो दुनिया वगैरह कुछ भी नहीं ना चलो सही है ना एकदम हाँ गाना भी ना कुछ भी नहीं एकदम सिंपल न्याज फातिहा दुरूद फातिहा के साथ एकदम अच्छे से वो काम बढ़ा रही है अरे तो सब्सक्राइबर लोग खिलाए नहीं फ्रेंड्स इतना सारा तो इतना सारा खिला दे टेस्ट करके देखो केक कैसा माशाल्लाह ए फातिमा अभी से प्रैक्टिस कर रही है अपने बर्थडे का केक काटने के देखो अरे बाप रे फातिमा इधर देखो जो हो रहे हैं रात के 9 और हम लोग बैठे हैं खाना खाने तो आज खाने में है खिचड़ी और अंडे की भुर्जी तो आइए आप लोग भी खाना खाने मिलते खाना खाने के बाद ए नाना बाहर गए तो देखो फातिमा कैसा रो रही है दरवाजे के पास जाके नहीं नहीं मेरा बच्चा आ जाएंगे ना ना आ जाएंगे ना अरे अल्लाह इतना रोना अल्लाह चलो नहीं 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 रोने का मेरा बच्चा नहीं रोने का अच्छा आ जाओ मेरे पास नाना के लिए इतना रो रही बापरे मेरे आग के अंदर उंगली मार दी उसने ये आ गए नाना अरे नाना के लिए कब से रो रही थी बाप रे ये देखो बस हो गया अब चुप अब खुश ना अब खुश नाना ले लिए देखो अभी जाओ नाना के साथ बाहर घूम के आओ टोपी पहन लो जल्दी जल्दी बाहर ठंडी है मत लेके जाओ इसको टोपी पहन लो जल्दी जल्दी अच्छी बच्ची है ना मेरी हाँ आप जाओ लेके आप लेके जाओ ठंडी टाटा 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 कर दो टाटा चले गई फातिमा टाटा अरे कितनी वो है बाहर घूमने गए टाटा बेटा कुछ भी नहीं करी दफ्तर खाना उठाने जा रही तो देख के झाड़ू मारे गए बिस्तर डाल रहे तो चले भाई हमारा खाना वगैरह सब खा के हो गया बिस्तर भी तो आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करनी है तो इंशाल्लाह शालो बस क्या बोलते अपना फातिमा का कपड़ा वगैरह उसको तैयार करके क्योंकि कब से किरकिरा रही है वो कपड़ा वाला उसको डाल दो फिर आ जाओ भाई जो बैठ जाओ बाजू में ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे शौहर ने केक लाए थे केक फातिहा दरूद करके केक काटे
बहुत अच्छे से सिंपल सादे तरीके से केक काटे हमने, बस सब हो चुका है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी मैं आपको कैसे जाहिर करूँ वो नहीं बता पा रही हूँ। बेचारी एकदम सैड हो गई। और जिस जिसने विश किया उसको बहुत बहुत थैंक यू। माशाल्लाह कमेंट में बहुत सारे विशेस आए, तो मैं पढ़ के सुनाया, देखो इतने सारे अपने सब्सक्राइबर लोग ने विश किए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, ऐसी दुआ दी हम दे, प्यार सपोर्ट बनाए रखें, ऐसी दुआ कीजिए हमारे लिए। कल मेरे शोहर चले जाएंगे, फातिमा भी तो रहेंगे, उसके अब्बू के बिना मैं भी नहीं रह पाऊंगी, बस बहुत याद आएंगी। तुम नहीं रह पाएंगे? नहीं ना। अरे इनकी आदत ऐसी है, जब जाऊंगा ना तब रोना स्टार्ट कर देते, बहुत हार्ड है सही में। आपकी बहुत याद आएंगी। आप अच्छा, अच्छा, अच्छा। फोन है ना अपने पास, टेंशन नहीं, वीडियो कॉलिंग करेंगे। हाँ, और क्या, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह डायरेक्ट हमारा जनवरी में आना होगा। जनवरी कितनी तारीख? 15 तारीख को, क्योंकि कलर वगैरह भी मारना है घर में। एक महीना है ना? एक महीना, हाँ एक महीना ही है ना। हाँ बराबर, तो एक महीने के बाद आऊंगा मैं। एक महीने के बाद आएंगे, कैसे गुजरेंगे एक महीना पता ही नहीं चलेगा। गुजर जाएगा। जैसे दो साल गुजर गया वैसे एक महीना भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, है ना। हाँ, हम दोनों माँ बेटी का एक महीना कैसे गुजरेंगे, हम लोग को उनकी आदत हो गई, बस कैसे रहेंगे अकेले बेचारे बम्बई में। इसलिए औरंगाबाद गए थे शबनम भाई से मिलने, तब भी नहीं रह रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। अब तो एक महीने के लिए बम्बई जाए तो अब कैसे रहेंगे पता नहीं। और मुंबई जाएंगे तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मुंबई जाएंगे तो ऐसे प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखना, बहुत सपोर्ट करना, अपना प्यार वहाँ पे भी बताना। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।